आज हम बात करेंगे अबाउट बर्थ कंट्रोल पिल्स। वैसे तो बर्थ कंट्रोल के बहुत से तरीके अवेलेबल हैं, लेकिन बर्थ कंट्रोल पिल्स उनमें से एक बहुत ही इफ़ेक्टिव, इजीली अवेलेबल और इनएक्सपेंसिव तरीका है। दो तरह के पिल्स अवेलेबल हैं। ये 21 गोलियों का पत्ता जो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए है और जिसको इमरजेंसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना है, और यह पत्ता जिसमें केवल एक पिल है जिसको हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी कहते हैं, जो इमरजेंसी पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द रेगुलर बर्थ कंट्रोल पिल्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स को एक बहुत वाइड एज ग्रुप में प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। यह यंग लड़कियों में जिनकी एज 20 साल से कम है उनमें भी देना सेफ है, और अडल्ट वुमेन में जिनकी एज 50 साल तक है उनमें दी जा सकती है। तो बर्थ कंट्रोल पिल का पैक इस तरह से दिखता है। इसमें 21 गोलियां हैं। ज़्यादातर पैक्स पे आपकी सहूलियत के लिए ये एरोज मार्क होते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, पिल को शुरू करना है विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ द पीरियड। फर्स्ट पिल पैक के लेफ्ट एंड से लेना शुरू करें और एरोज को फॉलो करते हुए हर रोज़ एक एक पिल सेम टाइम पर लेती रहें। आप दिन का कोई भी एक समय फिक्स कर लें और हर रोज़ पिल को उसी समय पर लें। सेक्स से इमिजिएटली पहले या उसके इमिजिएटली बाद लेना ज़रूरी नहीं है फॉर द पिल्स टू बी इफ़ेक्टिव। अगर आप पिल्स पीरियड के फर्स्ट 5 days के बाद शुरू कर रहे हैं तो दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि प्रेगनेंसी नहीं है, और दूसरा ये कि आपको फॉर द फर्स्ट 7 days एडिशनल प्रिकॉशन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्डम्स यूज़ करना है, बिकॉज पिल की इफ़ेक्टिवनेस इस्टेब्लिश होने में 7 दिन लगते हैं। हर रोज़ एक एक पिल लेना है एट द सेम टाइम। ऐसा करने से 21 दिनों में आपका पिल का पैक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 7 दिन का गैप दीजिए और 8वें दिन से एक नए पिल का पैक शुरू कर लें। इस तरह से साइक्लिकली 3 हफ्ता पिल लेना है और 1 हफ्ता पिल छोड़ना है, फिर 3 हफ्ता लेना है और 1 हफ्ता छोड़ना है, और इस तरह से आप तब तक करते रहें जब तक आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं। पिल्स को लंबे समय तक लिया जा सकता है, यह सेफ होती है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, बिल्कुल ठीक तरीके से अगर हम पिल्स को लें तो फेलियर रेट 1% से भी कम है, यानी कि 100 में से 1 से भी कम चांस है कि पिल का फेलियर होगा और प्रेगनेंसी होगी। पिल्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप जैसे ही पिल्स लेना बंद करती हैं, इमिजिएटली फ्रॉम द नेक्स्ट साइकिल आपकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है। सो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आप पिल बंद कर दीजिए और इमिजिएटली अगले ही साइकिल से आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे मिस्ड पिल्स के बारे में। जनरली अगर एक पिल मिस हुआ है तो ये फेलियर रेट का चांस कम होता है। अगले दिन आपको जब भी याद आए आप अपने पिछले दिन का मिस्ड पिल ले लें और उस दिन का रेगुलर पिल भी लें, यानी कि आप उस दिन 2 पिल्स ले रहे हैं, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली आप रूटीन तरीके से बाकी का पैक कंज्यूम करती रहें। फेलियर का चांस बढ़ जाता है यदि आप 2 और उससे ज़्यादा पिल्स लेना भूल जाती हैं। यदि ऐसा होता है तो आपको जब भी याद आता है आप लास्ट मिस्ड पिल को कंज्यूम करें, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप 3 पिल्स लेना भूल गई हैं और अगले दिन आपको याद आता है तो आप अपना लास्ट मिस्ड पिल कंज्यूम करें और उस दिन का रेगुलर पिल भी लें, जिसका मतलब है कि आप उस दिन 2 पिल्स ले रहे हैं, और उसके अगले 7 दिन के लिए आप एडिशनल प्रिकॉशंस यूज़ करें विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्डम। उसके अलावा यदि इंटरकोर्स होता है तो आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का भी सेवन कर सकती हैं। पिल्स लेने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेडेक, थोड़ा बहुत उल्टी करने का मन या एसिडिटी, मूड चेंजेस, या फिर ब्रेस्ट में थोड़ा हैवीनेस या टेंडरनेस महसूस हो सकती है। ये साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर जब पिल्स लेना आप शुरू करते हैं तब होते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वंस यू हैव टेकन 2-3 cycles ये साइड इफ़ेक्ट्स सेटल डाउन कर जाते हैं।
यदि आप एक थायराइड पेशेंट हैं और थायराइड का सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले सकते हैं। वाइल यू आर टेकिंग द पिल्स अपना थायराइड फंक्शन रेगुलरली चेक कराते रहें और अगर उसमें कोई डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो एक्सपर्ट की एडवाइस से वो ज़रूर करें। यदि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, यदि आपको माइग्रेन हेडेक्स की प्रॉब्लम है, यदि आपका बीपी बहुत ज़्यादा है या आपको कोई लिवर या गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है तो इन केसेस में अक्सर हम लोग पिल्स प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। इसके अलावा यदि आपको पर्सनली करंटली या पहले कभी ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है तो भी यह पिल्स लेना सेफ नहीं है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। यदि आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस स्टे कनेक्टेड।